Welcome to the Bible study hour of Life Spring Assembly for this evening. और आज की शाम में आप सबका स्वागत करता हूँ Life Spring Assembly कलीसिया का जो बाइबल अध्ययन का समय है उसमें. God's blessing be upon you and His anointing be upon you to listen and understand and put the understanding into practice. और होने दे परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जबकि आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं. We are actually looking into the last verse of chapter 9 of 1 Corinthians. और हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वें अध्याय और अंतिम वचन की ओर अपने मनन को रखे हैं. Where Paul says, जहां पर पौलुस कहता है, But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be qualified. परंतु disqualified. मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. Paul was concerned that his life measure up to his preaching. और पॉल इस बात को लेकर पॉलुस चिंता करता था कि उसका जीवन उसके प्रचार अनुसार हो. Paul feared that he may fail to live what he preached. और पॉलुस को इस बात का भी डर था कि वो हो सकता है कहीं वो इस बात से चूक ना जाए कि वो उस अनुसार जिए जिनका वो प्रचार करता. And in fact, I will add, it should be the concern and the fear of every preacher who is appointed to preach and teach. और मैं इस बात में जोड़ना चाहूंगा कि ये चिंता ये हर एक प्रचारक, हर एक परमेश्वर के दास और सेवक की चिंता होनी चाहिए. Paul knew the Lord would not tolerate false profession and hypocrisy. और पौलुस इस बात को जानता था कि परमेश्वर पाखंड को और झूठी बातों को कभी भी सहेगा नहीं. It is absolutely necessary for one to live what he preaches. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है एक के लिए कि वो वैसा ही जिए जैसा वो प्रचार करता है. So what does Paul mean here? और इसलिए पौलुस का क्या मतलब है यहाँ पर? What was the judgment or punishment that he might be disqualified? और वो न्याय या वो कौन से दोष के विषय में बात करता है जिसके कारण वो असिद्ध ठहरे? This word disqualified in Greek is Adonikomos. और ये शब्द जिसका प्रयोग वो करता है इस बात को दिखाने के लिए कि वो अयोग्य ठहरे, वो यूनानी भाषा में वो शब्द है अडोकिमोस. अडोकिमोस विच मीन्स, जिसका मतलब है रिप्रोबेट और रिजेक्टेड, कि जिसका मतलब है ठुकराया जाना और कास्ट अवे, या किसी को दूर अलग कर दिया जाना, और disapproved, या ऐसा जिसे असिद्ध मानकर अयोग्य कह दिया गया, unfit, ऐसा जो अस्वस्थ है, and that means failing to stand the test. और इसका मतलब है वो अपनी परीक्षा में असफल हो गया है. Now most scholars think that Paul is referring to salvation. और ज्यादातर धर्मशास्त्रियों का यही मानना है कि पौलुस यहाँ पर उद्धार के विषय में बात कर रहा है. That when he comes to the end of his life, ताकि जब वो इस रेस कि जब पौलुस अपने जीवन की इस दौड़ के अंत में पहुंचे, he sees the possibility of being rejected. वो इस बात की संभावना को भी देखता है कि कैसे उसका वो ठुकराया जा सकता है. That is, if he fails to live up to what he preached to others, अगर वो उस अनुसार ना जिए जिसकी प्रचार वो दूसरों को करता है, there is a warning in here we all need to heed. और यहाँ पर एक चेतावनी है जिसको हम सबको जानना और समझना है. Let us look into a passage in Titus chapter 2. और आइए तीतुस की पत्री उसके दूसरे अध्याय में एक वचन है उसकी ओर हम देखेंगे. Verse 12 and 13. और बारवा और तेरवा वचन दूसरा अध्याय. Titus chapter 2 verses 12 and 13. और तीतुस उसका दूसरा अध्याय और बारवा और तेरवा वचन. It says here. Well, I will read from verse 11. और मैं ग्यारहवें वचन से पढ़ूंगा. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people.
कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रस्तुत हुआ है कि हर एक के लिए उद्धार को लेकर के आए। Training us to renounce ungodliness and worldly passions। और हमें ये चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराएं। And to live self-controlled, upright and godly lives in this present age। और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन को बिताएं। Now, there are five things to be noticed about Paul's teaching in the scriptures। और पांच ऐसी बातों को हमें देखना है ध्यानपूर्वक जिसकी बात या शिक्षा पौलुस इन वचनों में दे रहा है। Number one, पहली बात, Paul definitely pictured himself in a lifelong struggle for salvation। कि पौलुस अपने आप को एक जीवन भर के संघर्ष में देखता है उस उद्धार या मोक्ष के लिए। Paul alone uses this word adokimos। और पौलुस ही सिर्फ ऐसा व्यक्ति है जो इस शब्द का प्रयोग करता है जो यूनानी में अदिकमोस है। And it, he uses it in a moral sense। और वो इस शब्द का प्रयोग करता है एक नैतिक रूप में। In a moral sense in the New Testament। और एक नैतिक रूप से नए नियम में। Paul definitely says he keeps his body under control। और पौलुस इस बात को कहता है कि वो अपनी देह को अपने नियंत्रण में रखता है। And brings it under subjection lest he be a castaway after preaching to others। और इस देह को मारता कूटता है ताकि उसे अपने नियंत्रण में बनाए रखे ताकि वो खुद अयोग्य या निकम्मा ना ठहरे। And in this connection let us also turn to 2 Corinthians। और आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम दूसरी कुरिन्थियों की पत्री की ओर भी देखें। 2 Corinthians 13 Verses 5-7। दूसरा करंथियों उसका 13वां अध्याय और 5वें वचन से लेकर। और 13वां अध्याय दूसरों कुरिन्थियों का और 5-7 वचन तक। These are the words of the apostle Paul inspired by the Holy Spirit। और ये पौल स्पिरिट के शब्द हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा और प्रोत्साहन के द्वारा। Examine yourselves to see whether you are in the faith। Test yourselves or do you not realize this about yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test, I hope you will find out that we have not failed the test, but we pray to God that you may not do wrong, not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम परमेश्वर की यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दीख पड़े पर इसलिए कि भलाई करो चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। Also in 2 Timothy, उसके बाद दूसरा तिमुथी उसकी पत्री chapter 3 verse 8 और तीसरा अध्याय 8वां वचन। जैसे त्रयास और याब्रेस में मूसा का विरोध किया गया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ऐसा मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। See, this chapter 3 in 2 Timothy, और ये दूसरा तिमोथियुस तीसरा अध्याय, the first verse, five verses, पहले जो 5 वचन है, is a description of the characteristics of the the last day generation। ये जो पहले 5 वचन है ये स्पष्ट रूप से आज के युग की जो पीढ़ी है उसके चरित्र को दर्शाते हैं। So after describing it, और इस बात को वर्णन करने के बाद, he is comparing their attitude to two persons who opposed Moses. He said just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men corrupted in mind
and disqualified regarding the faith. और इसी प्रकार से वो लिखता है कि जैसे यानेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। So Apostle Paul meticulously and very strictly was every day bringing his body under his subjection. और इसीलिए पौलुस प्रेरित प्रतिदिन अपनी देह को अपने नियंत्रण और अपने अधीन बनाए रखता है। The failure of today's some preachers and teachers of the word is और आज के दिन के प्रचारकों और सुसमाचार प्रचारकों और दासों का जो असफलता है वो ये है they allow the person's mind to be subject to body's dictate और वो इस प्रकार इस ये अनुमति देते हैं कि उनकी देह उनके मन पर काबिज हो। Paul pictured himself as having to struggle against sin throughout life. और पौलुस तो इस बात को देखता है कि वो जीवन में कैसे उस पाप के विरुद्ध लड़ाइयों को और परीक्षाओं को की सामना करता है। And why such struggle? और ऐसा प्रयत्न ऐसा लड़ाई क्यों है? He struggled for two reasons. वो दो कारण वर्ष वो ऐसे ऐसी परीक्षाओं से निकलता है। Number one, पहला, to attain to the resurrection from the dead. ताकि वो मरे हुओं में से उस पुनरुत्थान को प्राप्त करे। Now for this we need to turn to Philippians chapter 3. और इसके लिए हमें फिलिपियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय की ओर जाना पड़ेगा। Since it is Bible study, it is a study. It is good that we turn to these passages. और ये क्योंकि बाइबल अध्ययन का समय है, ये अच्छा होगा कि हम इन पत्रियों को खोलकर इन वचनों को पढ़ें। Philippians chapter 3 verses 8 to 11. और आइए फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय आठवें वचन से लेकर। Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने उन सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। You see my friends, why the struggle? और देखिए मेरे मित्रों क्यों ये प्रयत्न है। He has one aim. उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है। And he placed that goal into the highest. और उसने उस लक्ष्य को सबसे ऊंचे तौर पर रखा। And he would not allow anything to distract him from that goal. और उसने इस बात की अनुमति किसी भी बात को नहीं दी कि कोई भी बात या कोई भी वस्तु उसको उसके लक्ष्य से भटकाए। To know Christ. कि वो यीशु को जाने। And attain to the resurrection from the dead. और उसके मरे हुए में से उस पुनर्स्थान के सामर्थ्य को प्राप्त करें। And be able to stand before God. और परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने पर। The judge of all. जो हर एक का न्यायाधीश है। And there is a second reason why he had to struggle throughout for his salvation. और एक दूसरा कारण भी है कि क्यों उसे अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करना पड़ा। To conquer the flesh. ताकि वो अपने इस देह पर नियंत्रण पाए, विजय पाए। If you read Galatians chapter 5 verses 16 to 24. अगर आप गलातियों की पत्री पांचवा अध्याय 16वें वचन से 24वें वचन तक पढ़ते हैं। I request Pastor Ramesh, Pastor Mahendra read it.
गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16वें वचन से, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करना पाओगे, और यदि तुम आत्मा से चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम। इनके विषय में तुम पहले से मैं कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमेन। हालेलुया। सो द थर्ड थिंग वाज, और तीसरी बात, पॉल वाज परफेक्टली अश्योर्ड ऑफ सल्वेशन, कि पौलुस उद्धार को लेकर के उसके पास एक हियाव और भरोसा था। अब परफेक्टली अश्योर्ड दैट ही वुड रन द रेस वेल, और उस इस बात को लेकर सिद्धता के संग विश्वास रखता था कि वो अपनी दौड़ को सही रीति से दौड़ेगा। इन दिस रिगार्ड, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, ही वाज सो श्योर ऑफ टू थिंग्स, वो दो बातों को लेकर बहुत निर्धारित था या स्पष्ट था। नंबर वन, पहली बात, दैट नथिंग और नो वन, एनीथिंग देयर इज और एनीथिंग टू कम will be able to separate him from the love of God. कि कोई भी बात या कोई भी वस्तु उसे परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। And this is recorded in Romans chapter 8 verse 35. और इस बात को वो कहता है रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 35वां वचन। Then from verse 38 to 37. और 38वें वचन से लेकर के 35वें वचन से लेकर के 37वें वचन तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। See, I would like you to take note of these references and read for yourself again. मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को कृपया करके लिख लीजिए और आप खुद भी आज के दिन इसे जरूर पढ़िए। So Paul was assured that nothing or no one and no circumstances can ever separate him from the love of God. कि पौलुस इस बात को लेकर सुनिश्चित था कि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसी बात उसे परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। And that was the first assurance. और ये वो पहला भरोसा था। The second assurance. और वो दूसरा भरोसा। That the Lord was able to keep him until the day of redemption. कि परमेश्वर उसे बचाने के योग्य था उस छुटकारे के दिन तक। This is recorded in 1 Timothy chapter 2 verse 12. और इस बात को हम देखते हैं पहला तिमोथी उसकी पत्री उसका दूसरा अध्याय 12वें वचन में। And then again the book of Jude verse 24. और उसके पश्चात यहूदा की पत्री उसका 24. 24वां वचन। पहला तिमोथी उस दूसरा अध्याय 12वां वचन और यहूदा की पत्री उसका 24वां वचन। Read from Timothy. मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। Jude 24. यहूदा उसका 24वां वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समान मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। See, these verses are important for us to remember in connection with our subject matter. और ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जब जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उन विषयों को लेकर। And it begins with this statement: preacher, pastor, evangelist, teacher, live what you preach. और इनकी शुरुआत हमसे जो प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक, परमेश्वर के दास, अगवे, पासवान हैं, उनसे होती है। जो आप प्रचार करते हैं वैसा ही जिए। Lest after serving and preaching throughout your life, at the end you will be disqualified. वरना आप पूरे जीवन में प्रचार और सेवा करने के बाद भी अपने जीवन के अंत में आप निकम्मे ठहरेंगे, आप अयोग्य ठहरेंगे। And then
fourthly, चौथी बात, Paul was convinced that only those who walked in the Spirit and were committed to a deadly struggle against sin. और पौलुस इस बात को लेकर कायल था कि वे जो आत्मा के अनुसार चलते थे और परमेश्वर के जो पाप के विरुद्ध परमेश्वर के कायलता आत्मा की कायलता में चलते हैं. Only such people were saved and given an absolute assurance of salvation. सिर्फ ऐसे ही लोग बचाए गए हैं और उन्हें ही उद्धार को दिया गया है. Now write down this reference. कृपया करके इन वचनों को लिख लीजिए. Romans 8:1-17. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पहले वचन से लेकर 17वें वचन तक. Please read it by yourself. कृपया करके इन वचनों को आप जरूर पढ़िए अपने आप से. So the total surrender and commitment. इसलिए वो संपूर्ण खुद को समर्पित करना और खुद को भक्ति पूर्वक रखना टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड टू हिज लॉर्डशिप और वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति और उसकी प्रभुता के प्रति एंड रिमेन फेथफुल टू हिम अंटिल द एंड और उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना अंत तक. ओनली सच पीपल आर अश्योर्ड ऑफ सल्वेशन एट द एंड और सिर्फ ऐसे ही लोगों को अंत में उस उद्धार का हियाव दिया गया है या उन्हें ही ये उद्धार प्राप्त हो. And fifthly, और पांचवी बात, Paul was not perfect and he confessed that he was far from perfect. कि पौलुस भी सिद्ध नहीं था और उस बात का अंगीकार करता है और कहता है खुद कि वो सिद्धता से काफी दूर है. And until he was made perfect, और जब तक वो सिद्ध ना किया जाए, he was going to struggle. वो उन प्रयत्नों और मुश्किलों में रहेगा. He was going to follow and then press on and strive for perfection. और वो चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, अनुयायी बना रहेगा ताकि वो किसी रीति से उस सिद्धता को पाए. Philippians again. उसके बाद फिलिपियों की पत्री. Chapter 3 verses 12-13 and 14. तीसरा अध्याय 12, 13 और 14. Not that I have already obtained this. Or I'm already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ता चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. And he says then, brothers, I do not consider that I have made it my own. भाइयों और मैं इसके आगे वो कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ. But one thing I do. परंतु केवल एक ही काम करता हूँ. Forgetting what lies behind and straining forward to that lies ahead. कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जाऊं. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. कि मैं जो परमेश्वर ने मुझे पुरस्कार के लिए बुलाया है उन बातों की ओर दौड़ता चला जाऊं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया. See, notice what the word he used. और देखिए किस शब्दों का प्रयोग वो करता है. Forgetting what lies behind and then straining forward. कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातें आगे की ओर बढ़ता हुआ. That gives you an idea that he is running, but there is a restraining power from behind forcing him to slow down or stop. और ये बात, ये वचन आपको दिखाता है कि वो दौड़ रहा है आगे की ओर, लेकिन एक ऐसी शक्ति भी है जो उसे पीछे खींचना चाहती है. But here he is utilizing all the power he has. लेकिन यहाँ पर वो पूरी शक्ति और सामर्थ का प्रयोग करता है जो उसके पास है to swim against the current. ताकि वो उन लहरों के विपरीत तैर सके. Now, two things are certain from Paul's teachings. और दो बातें पौलुस की शिक्षाओं से बड़ी निर्धारित और स्पष्ट हैं. Paul was assured of salvation.
कि पौलुस अपने उद्धार को लेकर हियाव रखता था, भरोसा रखता था। And he was certain of finishing his race well. और वो इस बात को लेकर भी भरोसा था कि अपनी दौड़ को सही रीति से खत्म करेगा। Secondly, दूसरी बात, at the same time, साथ ही साथ, he was conscious of lifelong struggle against sin. कि वो जीवन भर का जो एक यत्न है, लड़ाई है पाप के संग, उसको लेकर के भी वो साजुक था। A deadly struggle. और एक ऐसा लड़ाई जो कि मृत्यु और जीवन की लड़ाई है। Paul disciplined himself. पौलुस ने खुद को अनुशासित किया। His body. अपने शरीर को। To gain a permanent victory to qualify. For his reward. ताकि वो किसी रीति से उस विजय को, उस पुरस्कार को पाने के योग्य ठहर जाए। It seems Paul accepted his severe bodily suffering. और इस बात को भी हम देखते हैं कि कैसे पौलुस ने अपने उस शारीरिक रूप से जो यातना और पीड़ा को पाया, उसे ग्रहण किया। It's because he dared not losing his crown. क्योंकि वो इतना हिम्मत और इतना हिम्मत नहीं कर सकता था कि अपने उस जीवन के पुरस्कार को खो दे। How? कैसे? Through his failure. अपनी असफलताओं के द्वारा। Oh, what a thought and what a dedication and what a struggle and what a victory. और कितना बड़ा ये विचार और कितनी बड़ी ये लड़ाई और कितनी बड़ी ये विजय है। He was willing to endure. और वो इस बात को लेकर सहने को तैयार था। In order to accomplish his ultimate objective. ताकि वो अपने अंत के उस लक्ष्य को पूरा करे। What was it? वो क्या था? The objective of gaining the prize. और वो लक्ष्य था कि वो किसी रीति से उस पुरस्कार को पाए। Not only for himself. ना केवल अपने लिए। But for the Corinthians as well. लेकिन उन कुरिंथ के विश्वासियों के लिए भी। And we shall close this by reading two more scripture verses. और इस बाइबल अध्ययन को हम समाप्त करेंगे दो और वचनों को पढ़ने के बाद। The Gospel according to Saint John. यूहन्ना रचित सुसमाचार। Chapter 15. पंद्रवा अध्याय। Verses 3 and 4. और तीसरा और चौथा वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली या यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल ला सकती, वैसे ही तुम भी शायद मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. That is something to think about, my brothers and sisters. और ये एक ऐसी बात है जिसके विषय में हम सबको सोचना है, मेरे भाइयों और बहनों। So do it. तो ऐसा ही करें। First John, chapter 5. पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पांचवा अध्याय। First John, chapter 5. Verse 16. पहला यूहन्ना की पत्री पांचवा अध्याय सोलवा वचन। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर से उनके लिए जिन्होंने ऐसे पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there is sin that leads to death. I do not say that one should pray for it, for that. These are very serious and strong passages. और ये बड़े गंभीर और कठोर वचन हैं। There are two categories of sin. दो पाप के दो प्रकार के पाप हैं। There is a category that
sin that leads to death. और एक ऐसा पाप का भाग है या समूह है जो आपको मृत्यु की ओर ले जाता है. Then there is another category. और एक और समूह है. Perhaps it is not as serious as the first. हो सकता है वो पहले समूह की तरह गंभीर ना हो. Nevertheless, they are also sin. लेकिन फिर भी वो भी पाप है. One has to suffer the punishment for that. और एक को उसके लिए उस दंड और न्याय का सामना करना है. But these are sin that do not lead to death. लेकिन ये ऐसे पाप हैं जो आपको मृत्यु की ओर नहीं ले जाते. And after listening to today's lesson, और आज के अध्ययन को सुनने के पश्चात, what do you feel that your greatest need? और आपको क्या महसूस होता है कि आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? I know what I feel. मुझे पता है मैं क्या महसूस करता हूँ. I need the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. I cannot live this life by my strength. मैं अपने सामर्थ्य से इस जीवन को नहीं जी सकता. There is no way I can win this battle, this struggle. और ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिसके द्वारा मैं इस प्रयत्न को इस लड़ाई को जीत सकूं. But then I am not left without help. लेकिन मैं बिना किसी सहायता के नहीं. What is our help? मेरी सहायता क्या है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. It is for you. और ये आपके लिए. For me. मेरे लिए. And for everyone who और हर desire. एक के लिए वो इसको निर्णय करता है. I would desire that they will make it. वो जो इस बात की इच्छा करते हैं कि वो जरूर इसको करें. Not by my own strength, अपनी शक्ति के द्वारा नहीं, but that divine power, even the Holy Spirit. वो दैवीय शक्ति जो पवित्र आत्मा देता. It is his desire that we be winners. ये उसकी इच्छा है कि हम विजयी ठहरे. So may the Holy Spirit enables each one of us. और इसलिए पवित्र आत्मा हम में से हर एक का सहायता करे. As you struggle, जैसे आप प्रयत्न करते, to discipline your body and yourself. कि जैसे आप अपनी देह और खुद को अनुशासित करते हैं. And bring the body's desires to subjection. और इस देह की इच्छाओं को अपने नियंत्रण में लाते हैं. So that you will be above them and be overcomer. ताकि आप उनके ऊपर और एक जयवंत ठहरे. May the Lord grant you His grace. होने दे परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपको दे. The anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर. And the fullness of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपके ऊपर. And by the power of the Holy Spirit, you may make it. और पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य के द्वारा आप इसे करने. And don't be a loser. और आप कभी असफल ना हो. Be a winner. लेकिन एक जयवंत होने पाए. Lord God Almighty. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर. We are before your throne. हम तेरे सिंहासन के सामने हैं. We need your Holy Spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. Send us your Spirit upon us, O Lord. हमारे ऊपर अपने पवित्र आत्मा को भेज. Because He alone can give us that strength, that wisdom. क्योंकि वही सिर्फ हमें उस शक्ति को दे सकता है जिसकी आवश्यकता हमें. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. May all of us receive your wisdom. उन्हें दे हम सब तेरे ज्ञान को प्राप्त करें. Because it can be done only by the Holy Spirit. क्योंकि ये सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है. So may the joy of the Lord be our strength. उन्हें दे परमेश्वर का आनंद हमारा शक्ति. We give you all the glory and honor. हम सारा आदर महिमा आप ही को देते. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen.